हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ गरबा देखने, और आज है गरबा का लास्ट दिन। और अपने जशपुर में गरबा दो जगह होता है, एक तो कीर्तन भवन और दूसरा बालाजी मंदिर के पास। तो आप लोग आज मैं दोनों जगह का माहौल दिखाऊंगा कि दोनों जगह डांस यानी कि गरबा थोड़ा किस तरह से होता है, क्योंकि दोनों जगह का जो है गरबा थोड़ा अलग अलग होता है। तो दोनों जगह दिखाऊंगा मैं आज लोग को, तो चलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं, मेरे साथ है अनूप और आसिफ। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले जाएंगे कीर्तन भवन वाला नहीं जाएंगे, सबसे पहले अपन लोग जाएंगे बालाजी मंदिर। अभी चलते हैं, अभी हम लोग रास्ते में दिखाते हैं आप लोग को तबाही वाला गरबा। अगर आप बच्चों सपोर्ट करते हैं तो एक बार दोनों हाथ में जयकारा शेरावाली का बहुत साथ है दरबार की। और Thank you.
शिवाजी मंदिर में गरबा देख के अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कीर्तन भवन और यहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले अभी देख सकते हैं इधर पंडाल और हम लोग जा रहे हैं अभी सबसे पहले दुर्गा माता का दर्शन करने। अभी दिखाते हैं आप लोगों को गरबा, आप लोग गरबा देखिए और एंजॉय करिए। अपन लोग भी करते हैं तो देखिए नया सर्किल बनाएंगे। जो भी लोग सर्कल में आएंगे, लड़कियां आएंगी तो नए सर्कल ही बनाए, पुराना जो सर्कल चल रहा है उसमें नहीं आएंगे। लड़कों से अनुरोध करूंगा थोड़ा थोड़ा बाहर हो जाएंगे, उस तरफ सामने जगह है, लड़कों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बाहर हो जाएंगे प्लीज। अतिथियों के लिए है, जो भी लोग अनावश्यक रूप से मंच पे हैं फिर क्या नीचे उतर जाएंगे। Yeah.
सकते हैं, फिर भी आप बैठ जाएंगे, प्लीज बैठ जाएंगे, आप हट जाएंगे भैया वहां से, प्लीज हट जाएंगे स्पीकर के सामने से, हट जाइए, हटिए स्पीकर के सामने से, हट जाइए। कहाँ नाचने आ गए भैया? थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। प्रवीण कहाँ पे लेटे रहते हो तुम? प्रवीण को नीचे लेट आते हो तुम, लेट जाएंगी को तो हम लोग गरबा देख लिए और हम लोग को बहुत मजा आया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोनों जगह का आपको कैसा लगा गरबा, यानी सबसे अच्छा कहाँ का लगा। तो वीडियो करते हैं एंड, आई होप कि आप लोग को मेरी ब्लॉग थोड़ी सी अच्छी लगी होगी गाइस। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं ब्लॉग पे, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।